आप एक युद्ध लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते आप हरासमेंट हो गए हो, जैसे कि आप हारने की कगार पर हो। कोई और आके, कोई और छोड़ो, भगवान ही खुद आके उस युद्ध को लड़के आपको जीता के दे देते। और इस कहानी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में वैसे ही घटना, सेम टू सेम घटना घटी है। भले ये पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन आज की समय में आपकी जीवन पर ये असर डालता है। जिस समय पर इस कथा ने लिखी गई, आज इसका महत्व बहुत बड़ा हो गया है। एक ऐसी राजा जो प्रजा की हित चाहता है और भगवान का साथ, दिन रात केवल भगवान का जप किया करते। एक बार राजा ने आज्ञा दी कि दरबार के प्रत्येक कर्मचारी के प्रतिदिन कम से कम एक बार समय अनुसार हरि नाम की माला जपनी पड़ेगी। जो नहीं जपेगा उसे दंड दिया जाएगा। सब माला मांग कर नित्य जपने लगे। कुछ दिनों बाद अंतपुरी की सेविकाओं के साथ महिलाओं भी प्रतिदिन माला जपने शुरू कर दी। उसके बाद एक दिन राजा ने यह आदेश दिया कि राजधानी विष्णुपुर के प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन माला को जपनी पड़ेगी। बूढ़े, युवक, बालक, बालिका, स्त्री, सभी को दिन में कम से कम एक बार माला अवश्य जपनी है। राजा की आज्ञा थी, बाध्य होकर सब लोग भगवान का नाम जपने लगे। दिन में कम से कम एक बार सभी को हरि नाम माला लेकर बैठना पड़ता था। बहानाबाजी करके बचने का कोई रास्ता ना था, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन माला जपता है या नहीं, यह जानने के लिए राजा ने बहुत से गुप्तचर नियुक्ति कर रखे थे। और स्वयं भी राजा भी समय समय पर छिप केस में घूम घूम कर देखते रहे। राजा का नाम है गोपाल सिंह, भक्त रघुनाथ के पवित्र वंश में पैदा हुए, मल्ल राज्य विष्णुपुर। राज कार्य में उदासीन रहते थे, हरि नाम संकीर्तन में मग्न रहते थे। ऐसे में यह लोगों को गला पकड़कर अमृत पिलाना था, परंतु कुछ लोग इसमें से नाराज हो गए और बेस इसे गोपाल सिंह के बेगार कहने लगे। आगे चलकर यह एक साधारण कहावत हो गया। ऐसी ऐसी देखते हुए बहुत दिन बीत गए। मराठा सैनिक भास्कर पंडित बहुत दिनों से मल्ल राज्य पर आक्रमण करने की सुजोग देख रहे थे, परंतु मल्ल सैनिकों की शक्ति और युद्ध कौशल देखकर उन्हें आक्रमण करने का साहस नहीं होता था। किंतु गोपाल सिंह को राज्य संचालन में उदासीन सुनकर भास्कर पंडित ने मल्ल राज्य पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर समझा और बड़ी भारी सेना लेकर उन्होंने मल्ल राज्य पर चढ़ाई कर। उस राज्य को जाने से पहले एक घाटी पड़ता था। उस घाटी में एक दुर्ग था, उसमें सेना छावनी था। सेना के साथ साथ तोपो इस तरह सजा हुआ था कि चारों ओर कोई भी उस राज्य पर आक्रमण करे तो उस दुर्ग पर पहले जीतना होगा और वो जीतने के बाद ही आप अंदर जाके लड़ाई करके जीत सकते हो और आक्रमण सक्सेसफुल होगा। इसीलिए कोई भी सेना उस तोपों को देख के डर के भाग आते थे। लेकिन उस समय ऐसी हालत था, सारे सेनाएं अपने अपने मन से बातचीत करते रहते थे। इस मौके को देखकर भास्कर पंडित ने अपनी एक टुकड़ी सेना उसका अंदर भेज दिया। इस समय देखा कि सारे सेनाएं अपने काम पे बिजी थे और जो काम उनका था वो नहीं कर रहे थे। इस समय को इंतजार कर रहे थे वो शत्रु सेनापति भास्कर पंडित। उस समय दोपहर का समय था, किंतु सेनापति के आदेश से एक दल सैनिक तुरंत दौड़कर दुर्ग के निकट पहुंच गए और दुर्ग पर बहुत सी तोपें सजी देखकर उसे बड़ा भय हुआ और उसके आगे बढ़ने के चाल मंद पड़े। भास्कर पंडित के सेना ने सौभाग्य से उस समय पर दुर्ग में कोई सैनिक नहीं था। दुर्ग के सैनिक इच्छा अनुसार जहां तहां स्वच्छंद विचार करते रहते थे, नहीं तो भास्कर पंडित को वही पराजय स्वीकार। फिर भी कई सैनिकों ने देख लिया कि उन पर आक्रमण हो रहा है, उन्होंने तुरंत ही तोप चलाना शुरू कर दी। जैसे ही तोप चलाना शुरू कर दिया, उस समय जो भास्कर पंडित की सेना थे वो मरने लगे। राजा गोपाल सिंह ने मराठा सेनापति भास्कर पंडित के आक्रमण की बात सुनकर
सेना की एक टुकड़ी मुंडमाल घाटी पर और गई। भयंकर युद्ध छिड़ गया। मल्ल सेना राज्य में कम थी पर वह प्राण से लड़ने लगी। गढ़ की सेना ने भागकर राजा को सूचना दी, भास्कर पंडित की सेना ने राजधानी की ओर आ रहे हैं। यह जानकर राजा ने प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग अपनी धन संपत्ति और परिवार को लेकर दुर्ग के भीतर अंदर चले आओ। प्रजा भयभीत हो गई, जिसके पास जो कुछ था लेकर बाल बच्चे सहित सब ने दुर्ग में आश्रय लिया। कुछ लोग धन संपत्ति को वहीं छोड़ दिया, केवल अपने प्राण बचाने के लिए ही दुर्ग में आ पहुंचे। अपनी सेना की पराजय की बात सुनकर राजा गोपाल सिंह ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने विश्वास पूर्वक दुर्ग में सबको हरिनाम कीर्तन करने की आज्ञा दी। अद्यपि उस समय भी गढ़ में 40,000 रखित सेना मौजूद थी और उसको परास्त करना मराठी सेनापति भास्कर पंडित के लिए सीधा काम नहीं था, पर राजा ने यह सब कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने राजधानी के सब लोगों को साथ हरि नाम संकीर्तन करने में बिजी रह गए। हरि नाम की तुमुल ध्वनि से गढ़ गूंज उठा। भास्कर पंडित की थकी सेना रात्र में विश्राम करने लगे, पर मल्ल सेनापति निश्चिंत नहीं थे। राज्य में एक संतली सेना थी, वे बहुत ही विश्वासी और साहसी थे। अतः पूरी के पूरी रक्षा में चारों ओर उनकी नियुक्ति कर दिया गया। मल्ल सेनापति ने प्रतिज्ञा की, जब तक प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे। उद्देश्य यही था कि राजा की आज्ञा प्रतीक्षा ना करके मूल भूमि के रक्षा करने के लिए सब सेना ने अपनी दृढ़ विश्वास कर ली। तोपों को बारूद भरकर तैयार कर युद्ध के संबंध में वे कुछ नहीं जानते थे। दुर्ग में प्रजा का समय डरते डरते बीत रहा था। लोग तोप बंदूक की आवाज तो सुन रहे थे, पर युद्ध का परिणाम किसी को भी पता नहीं। सच्ची आर्त भक्ति का मानो मूर्तिमान प्रवाह बह रहा था। सामुदायिक सच्ची पुकार का शुभ परिणाम हुआ। सहज दयालु भगवान का करुणा समुद्र उमड़ और उसका कार्य प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते दोनों ओर की सेनाएं थक गई। मराठा सैनिकों खाई पार करके विश्राम करने जंगल में चले गए। तब मल्ल सेना को भी विश्राम मिल गया और बीच में समय पाकर मल्ल सेना तोप में बारूद भरने लगे। नए नए सैनिकों की दल दुर्ग में आने लगे। अचानक आश्चर्यचकित होकर मल्ल सेना ने देखा कि एक अश्वारोही राजप्रसाद से निकलकर बड़े जोर से दूर की ओर घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा है। घोड़े की खुर की धूल चारों ओर उड़ रही है और वह घोड़ो सवार इतनी वेग से चला आ रहा है कि वो कौन है कुछ पता नहीं चलता। सहसा दल मादल तोप गरजने लगी और थोड़ी ही देर बाद देखा गया कि जंगल में जहां मराठे विश्राम कर रहे थे, वहां दल मादल तोपों के गोले वर्षा की असंख्य बूंदों की तरह पड़ने लगे। इसकी फलस्वरूप असंख्य मराठे सैनिक मौत के शिकार हो रहे थे। देखते देखते भास्कर पंडित की आधी सेना समाप्त हो गई। कोई उपाय ना देखकर मराठे सेनापति पराजय स्वीकार कर ली। शत्रु सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि ना जाने इनके पास ऐसे कितने घोड़सवार होंगे, जबकि इस एक ही घोड़सवार ने हमारी सेना को परास्त कर दिया। वे भयभीत हो मंत्री सहित घोड़े के पीछे पीछे विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह के पास मंदिर में आकर उनके शरणपन्न हुए। उन्होंने राजा के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा गोपाल सिंह ने पूछा, अपराध किस बात का? इस पर शत्रु सेनापति ने सारा हाल अद्योपांत कह सुनाया कि आपके एक ही घोड़े सवार वीर पुरुष ने तोपों के गोले द्वारा हमारी सारी सेना को तहस नहस करके पराजित कर दिया। आपके पास ऐसे कितने वीर पुरुष हैं? राजा गोपाल सिंह ने कहा, हमारे पास तो ऐसा कोई सवार नहीं है जो घोड़े पर तोप बांध कर युद्ध करे। सेनापति बोले, यह तो प्रत्यक्ष घटना है। दोनों तोप लाल बंद के इधर उधर पड़ी है और घोड़ा मंदिर के आहाते में मंदिर के दरवाजे के बाहर मौजूद है, एवं घुड़ सवार को हमने स्वयं
इस सभा मंडप में प्रवेश करते हुए देखा है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों वहां से सभा मंडप के भीतर गए। शत्रु सेनापति ने मदन मोहन जी के विशाल मूर्ति को देखकर तुरंत कहा कि बस यही तो है। तब राजा गोपाल सिंह ने भगवान मदन मोहन जी के वस्त्र को देखा तो वे पसीने में भीगे हुए थे। राजा गोपाल सिंह के करुणा भाव से अश्रुपात करते हुए बोले, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप हूँ, मेरे इस तुच्छ काम के लिए आपको युद्ध में जाना पड़ा। फिर उन्होंने शत्रु सेनापति को आश्वासना देकर आदर पूर्वक विदाय कर दिया और कहा, आप धन्य भाग्य है जो आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आपने जो कुछ आश्चर्य देखा है यह सब इन भृत्य वत्सल शरणागत पालक दया सिंधु भगवान मदन मोहन जी का ही लीला है। ऐसी ही कहानियाँ आपको पसंद है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नए नए कहानी आप तक पहुँचे। और ये कहानी अगर आपको पसंद है तो कमेंट में लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।